हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं हरियाली टैकोस रेसिपी। ये रेसिपी बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें ले लेना है 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हमें बहुत सारा पालक इसमें रख लेना है। लगभग 200 ग्राम पालक हम इसके अंदर भर लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये बनाने में काफ़ी आसान और एक बढ़िया स्नैक्स है कि जिसको हम सुबह या शाम स्नैक्स में खा सकते हैं। इसके लिए हमें ले लेना है 1 कप गेहूं का आटा और अब हम उसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा पिसा हुआ अजवाइन और 1 चम्मच हमें तेल डालना है। तेल या घी जो भी आप डालना चाहें डाल दें और इस पेस्ट की सहायता से हमें इसका डो तैयार करना है। ये आलू प्याज टमाटर की फिलिंग वाला एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है जो बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आता है और ये बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो चलिए बनाते हैं आज हम हरे भरे टैकोस रेसिपी। वैसे तो ये एक मैक्सिकन डिश है लेकिन इंडिया में भी ये बड़ी फेमस डिश है और इसे आसानी से बच्चों और बड़ों के लिए हम बना सकते हैं। तो आटे को हमने मल के और हम 10 मिनट को सेट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं ये फिलिंग। फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसको अब हम अच्छे से गरम करेंगे और जब ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसको तड़का लेंगे। साथ में हम 1 पिंच हींग डालेंगे और अब हम कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें प्याज को भूनना है, उसको जलाना नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ये हम फिलिंग के लिए रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसमें अब हम डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमने बारीक काट के रखा है, आप इसकी जगह टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। और 1 बाउल मैंने यहाँ पर मटर डाली है। मटर और टमाटर को गलाने के लिए हमें डाल देना है इसमें नमक और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये हमें दोनों चीज़ें थोड़ा सा गलानी है तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें बेसन और बेसन को डालकर हम इसको मसाले के साथ में भून लेंगे। तो बेसन भी हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा मसालों के साथ में और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। 2 आलू को हमें हाथ से फोड़कर डालना है। आलू को हम हाथ से फोड़कर डाल देंगे और इसे कलछी की सहायता से सारी फिलिंग को आपस में मिक्स कर लेंगे और ये बढ़िया सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई। फिलिंग को हम 5 मिनट तक भून लेंगे। आप चाहें तो इसे 1 बाउल में निकाल कर रख लीजिए। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया डालकर हम इसे मैश कर लेंगे और अब हम इसे 1 मिनट तक और भून लेंगे। अब हम बना लेते हैं टैकोस। तो टैकोस बनाने के लिए हमें आटे को 2 पोर्शन में विभाजित कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको 4 छोटी छोटी लोइयां तोड़कर हम टैको बना लेंगे। गोल टैको बनाने के लिए आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसे तवे पे थोड़ा सा तेल लगाकर भी सेक सकते हैं। रोटी और टैको शेल लगभग एक जैसे ही दिखते हैं पर ये होते थोड़े अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बनाकर हम इसको 2 रोटियों की शेप दे देंगे या फिर आप इसको छोटे छोटे लोई तोड़ के उसको रोटी की शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 4 छोटी छोटी रोटियाँ या टैकोस बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अब हम रख लेते हैं एक तवा और तवा पे हम इसको सेक लेते हैं। सभी टैकोज को हम हाफ फ्राई करेंगे, यानी कि हम इसको 50 से 60% तक सेकेंगे। इसको हमें पूरे तरह से नहीं सेकना है, थोड़ा थोड़ा सेक कर हमें सबको इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम एक एक टैको को लेकर इसके बीच में हम वो बराबन भरेंगे जो फिलिंग हमने तैयार करी थी, उस फिलिंग को हम इसमें रख लेंगे और इसको इस तरह से मोड़कर हम बनाकर तैयार करेंगे। तो सारी रोटियों की फिलिंग हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी में भी फिलिंग लगाएंगे और ऐसे बीच से बंद कर देंगे। तो सारी हमें, यानी कि चारों टैकोज हमें इसी तरह से बनाकर तैयार करने हैं। बीच से फिलिंग लगाएंगे और उसको मोड़कर रख लेंगे। तो अब ये सब रेडी हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे तवा और तवा को रख के हम गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें घी या तेल आप जो भी पसंद करते हैं वो इसमें डाल के गरम कर लेंगे। घी को गरम कर लेना है हमें, गैस की फ्लेम को ऑन करके हमें थोड़ा हाई पे रखना है। अभी हमें घी को गरम कर लेना है और जब ये अच्छे तरह से गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से तेल। ये सफ़ेद वाले तेल हैं और हल्का सा हम सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे और इन टैकोज को हम थोड़ा सा सेक लेंगे, यानी कि टैकोज को हमें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। एक तरफ सिकने के बाद हम इनको पलट देंगे। वैसे तो टैकोज एक देहाती टेस्ट है जो खाने में इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे खाने के बाद एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने कुछ नया और स्वादिष्ट खाया है। टाकोज एक बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट है। यदि आप पकौड़ी, नमकीन, पूरी, पराठे और पोहे हलवा खाकर ऊब गए हैं तो आप टाकोस बनाएं और अपने परिवार को नए नाश्ते का टेस्ट कराएं। टाकोज एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसको बनाना बेहद ही आसान है और बाद में इसे खाने के लिए आप टोमेटो केचप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये टाकोज बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो आप भी इसको बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं।